नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। शादियों का सीजन है, इस समय मौजूद हूं सिरसा के ट्रेड टावर मार्केट में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बनवारी जी ट्रांसपोर्ट के नाम से एक शॉप बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट के जो संचालक हैं नानक राम, उन्होंने बहुत अच्छी एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम भी कह सकता हूँ, एक सराहनीय कदम भी कह सकता हूँ इसे। ये जिस भी लड़की की मैरिज होती है उसके ससुराल पक्ष का अगर उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं लेते, यानी बिना दहेज के अगर वो शादी होती है, तो ये बनवारी ट्रांसपोर्ट की तरफ से उनको जो है 30 किलोमीटर तक की फ्री सर्विस दी जाएगी। नानक जी मौजूद है हमारे साथ, उनसे विशेष बातचीत करते हैं। तो नानक जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये प्लान आया कि 30 किलोमीटर तक की जो है फ्री सर्विस दी जाए सामान ले जाने? सर नमस्कार। सर मेरी स्कीम ऐसी थी, जो हमारे दादाजी थे उनके नाम से हमने ये ट्रांसपोर्ट खोली। हमारा काम अच्छा चला, बिजनेस बढ़ा, और जो हमारे पिताजी चिरंजी लाल जी थे उनकी सोच सदा से ऐसी रही थी भी मेरे लड़के कामयाब हों और ये कोई आगे संस्था की तरफ मतलब कदम उठाएं। तो आज मैंने ये सोच के विचार के बिल्कुल मन में धार के ये बात सोची है कि मान लो कोई भी गरीब परिवार हो या कोई भी परिवार हो जो लड़की के पक्ष दहेज नहीं लेगा, उसके लिए मैं, मेरे पास पिकअप गाड़ियां हैं और मैं वो पिकअप गाड़ियां 30 किलोमीटर तक कोई तेल खर्चा नहीं होगा, कोई डीजल खर्चा नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं होगा, मैं फ्री में गाड़ी भेजूंगा, ड्राइवर मेरा होगा, टूट वैसे सब कुछ मेरी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, जो सारी जिम्मेवारी मेरी है उसकी। तो ये मेरे पिताजी चिरंजी लाल जी थे, उन्होंने मेरे को सदा से यही सिखाया था कि बेटा किसी का गलत काम नहीं करना, गलत कदम नहीं उठाना। और हमने आज हम कामयाब हो गए इस काम में। आज ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सर आपके सामने, गाड़ियाँ हमको अच्छी है, बढ़िया कमाई आ रही है, घर में परिवार में बहुत सुख शांति है। और जी हम ये मुकाम आगे लेके आए हैं, तो इस सेवा से हम कभी आगे पीछे नहीं हटेंगे। और 30 किलोमीटर तक थी जो भी सामान लड़की परिवार का सामान ले जाएगा वो मैं फ्री में लेके जाऊँगा सर। नानक जी, दहेज लोभियों के मामले आमतौर पर आते हैं, दहेज के लिए किसी लड़की को मार देना, इस तरह प्रताड़ना, इस तरह के मामले आते रहते हैं। क्या मानते हैं कि आपकी इस योजना से कितना का लाभ उस परिवार को मिलेगा जो गरीब है? सर गरीब परिवार को इस लाभ से बहुत लाभ मिलेगा। जैसे मान लो कोई सब्जियां लेके जानी है मंडी से, कोई सवेरे 4 बजे जाता है, वो बेचारा लड़की के दहेज के लिए सामान इकट्ठा करता है, फिर उसको टेंशन रहती है गाड़ी वालों को किराया देना है। तो इस ये सोच कर मैंने भी मंडी में जो सब्जियां लेके आनी है, जहाँ कोई हलवाई का सामान लेके आना है, जहाँ टेंट का सामान है, उस गरीब परिवार के लिए हम आगे आएंगे। और जो हमारी आगे की और कोई मदद होगी उसका विचार मैं आगे करूँगा जी, और ज़रूर मदद करेंगे जितनी होगी। इस मदद के लिए कोई संपर्क करना चाहे तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या आपकी शॉप का कोई प्रॉपर एड्रेस देना चाहें आप? हाँ जी, मेरा शॉप का एड्रेस है बनवारी लाल ट्रांसपोर्ट, 32 नंबर MC मार्केट ट्रेड टावर, और मेरा नंबर है 9050970707। तो ये जो आपने योजना शुरू की है आगे भी जारी रहेगी? हाँ जी, चलती रहेगी, जारी रहेगी, इससे आगे और बढ़ सकती है, इससे घटेगी नहीं। जैसे 30 किलोमीटर की मैंने अब आपको बताई है, तो इससे फालतू हो सकती है, इससे कम नहीं होगी सर। अगर जो परिवार के गरीब परिवार के साथ संजोग करेगा उसके साथ हम आगे आके चेक करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे नानक जी, जिनसे विशेष बातचीत की है। तो जहां आज के तौर में आमतौर पर दहेज लोभियों के मामले आते हैं, दहेज के लिए लड़की को मार देना या प्रताड़ित करने के मामले आम रहते हैं, वहां नानक जी ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। और आप इस प्रयास को किस लेवल तक का सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि नानक की जो बात है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।